पाकिस्तान एयरपोर्ट्स के ऊपर कोरोना को लेकर स्कैनिंग हो रही है, प्लस उनके हेल्थ डिक्लेरेशन लिए जा रहे हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है, उनके जो सैंपल्स हैं उनको शौकत खानम और दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भेजा जा रहा है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो दे आर उनको फिर वापस घर भेज दिया जाता है। ये इस वक्त प्रोसेस है जो हुकूमत पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया हुआ है। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको हम दो हिस्सों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स आ रही हैं हमारी मुख्तलिफ ममालिक से, वो एक तो वो है पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ के, वहाँ के ऊपर किस तरह से एक विजिलेंस का निज़ाम मौजूद है और वहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है और पेशेंट्स को पैसेंजर्स को एक प्रोसेस से गुजार के उसके बाद उनका सारा डाटा लेके, ख़ास तौर पे ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो हैं जो उनसे लिए जा रहे हैं, जो तमाम एयरलाइंस को प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अंदर उनसे एक कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछी जाती है। okay. और अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन कोई ऐसी है जहाँ पर कोरोना वायरस मौजूद है तो फिर उन पैसेंजर्स को जो है वो एक्स्ट्रा विजिलेंट उनके लिए हुआ जाता है, उनका डाटा जो है वो हुकूमत ले लेती है और उसके बाद अगर उनमें कोई सिम्टम नहीं है तो उनको घरों को जाने तो दिया जाता है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो उनसे टेलीफोनिक तरीके से उनसे कांटेक्ट में रहती है और जब तक 14 दिन गुजर नहीं जाते वो उनसे खुद मिनिस्ट्री रابطे करती है और उनसे पूछती है कि किसी किस्म का कोई सिम्टम तो नहीं है कुछ, तो जिसकी वजह से हम उनको एक विजिलेंस जो है आने वाले मुसाफिरों के ऊपर रखी गई है। जी, ये जो अभी आपने प्रोसेस बताया और अभी आज के डेट के अंदर अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि दो और, एक कराची और एक इस्लामाबाद, और अर्लियर जो थे वो भी एक कराची और एक इस्लामाबाद थे। सो इनका अब स्टेटस क्या है, इन लोगों का, इनके अंदर कन्फर्मेशन हो गई है या डिटेक्ट हुआ है क्या, अगर आप थोड़ा सा वो भी बताना चाहें। जी, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये केसेस जो हैं ये सारे के सारे चारों जो हैं ये ईरान से आए हैं। ओके। और ईरान में पहला केस रिपोर्ट हुआ था 22 फरवरी को। राइट। और इन लोगों की एंट्री जो है वो ईरान से उससे पहले हो चुकी हुई थी, 22 को अलर्ट जो है वो रेज हुआ है कि अब ईरान में भी ये आ गया। इनमें से जो पहले दो रिपोर्ट हुए थे उनके लिए मैं आपको बता दूं कि वो बहुत तेजी से रूबर से हित हो रहे हैं, वो ऑलमोस्ट अब उनकी तबीयत जो है वो ठीक है और वो रिकवरी फेज जो है उनका बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है जी। आज जो ये दो हुए हैं ये भी ज़ाहिर ईरान से ही आए हैं और ये वो कंफर्म केसेस हैं। इस वक्त सस्पेक्टेड केसेस तो बहुत सारे थे हमारे पास, कोई 100+ थे, मगर वो उन सब के टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। ये चार टेस्ट थे जो कि पॉजिटिव आए हैं और इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला जैसे पहले दो रिकवर किए हैं ये भी रिकवर कर जाएंगे।